पतंजलि एलोवेरा जूस, पतंजलि अपने फेस पे लगाते हैं वो तो सुना, एलोवेरा जूस क्या है? ये पतंजलि का बेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा चलता है। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे लें तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, काम क्या करता है ये, और क्यों ये आखिर इतना चलता है, फेमस है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करें सबसे पहले, ये 1 लीटर की बोतल में अवेलेबल होती है नॉर्मली, जिसकी प्राइस है सिर्फ 200 रुपए। अगर आप इसको ओरिजिनल बाय करना चाहते हैं, क्यों मार्केट में फेक प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यहाँ के वहाँ क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल भरिए, सीधे आपके घर पे पहुंच जाएगा वो, या फिर आप पतंजलि स्टोर से खरीद लीजिए। और मेन चीज, ये आपको 1 महीने में पूरा खत्म करना है ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले आपको। अब मैं बताता हूँ इसके फायदे, अद्भुत बेनिफिट के बारे में, बहुत सारे फायदे हैं, आप देखिए मैं बताता हूँ सारे। नंबर 1, एलोवेरा जूस पेट से संबंधित आपकी जो भी बीमारी होती है उसे खत्म करके आपके चेहरे पे चमक लाता है, क्योंकि चेहरे पे जो गर्मी निकलती है ना, वो पेट की वजह से ही निकलती है। चेहरे पे मुहासे, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बीमारी हो ना चेहरे पे, ठीक है, पिंपल्स ज्यादा हो रहे हैं, तो वो पेट की गर्मी से ही होते हैं। पेट में जो जो आपके प्रॉब्लम है उनको खत्म करता है, तो आपके फेस पे जो भी दिक्कत होती है, जो भी बीमारी होती है, वो भी दूर हो जाती है और फेस पे एकदम ग्लो आता है, चमक आती है। इसका सेकेंड बेनिफिट है, आपके पेट के संबंधी कोई भी रोग हो, पेट साफ नहीं होता है, तो पानी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पेट में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी दिक्कत आ रही है ना पेट रिलेटेड, कुछ भी गैस बनना, पेट साफ नहीं हो रहा, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनना, वो भी दूर हो जाएगी। साथ में अगर आपको भूख ना लगने की प्रॉब्लम है ना, जैसे आप 2 रोटी खा लेते हैं पेट फुल हो जाता है, वो भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, खाली पेट अगर आप एलोवेरा जूस का इंटेक करें ना, पतंजलि का जो एलोवेरा जूस है, खाली पेट आप इसे पियेंगे ना, तो आपकी बॉडी में अगर खून की कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये RBC जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसको बढ़ाता है, उसको बूस्ट करता है, तो उसकी कमी भी दूर हो जाती है। अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे नॉइस ज़्यादा सुन ले तो सिर में दर्द होता है, काम से आते हैं तो सिर में दर्द होता है, तो आप खाली पेट एलोवेरा जूस का इंटेक कीजिए, इससे आपके सिर के दर्द में बहुत आराम आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके मुँह में थोड़े थोड़े दिन से छाले हो जाते हैं ना, तो अल्सर हो जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है एलोवेरा जूस। आप इसको भूखे पेट इंटेक कर सकते हैं, मुंह के छालों के लिए बेस्ट है ये। इसके अलावा अगर आपको हेयर फॉल की टेंशन है, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उसमें भी एलोवेरा बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इसको सही तरीके से लें तो आपके बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे काफ़ी हद तक। ये वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आपका ओवरवेट है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म दोनों सही से काम नहीं कर रहे हैं। आप पतंजलि का इस एलोवेरा जूस का इंटेक करेंगे तो वो दोनों चीज़ें ठीक हो जाएगी। उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जो चर्बी है वो निकलने लगेगी, वेट काफ़ी हद तक लॉस होगा, ठीक है। तो अगर आपका मोटापे से परेशान है तो आप इसका इंटेक जरूर कीजिए, और ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। अगर आप थोड़े थोड़े टाइम पे बीमार पड़ जाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर से खांसी जुखाम बुखार आपको जल्दी से लग जाते हैं, मतलब आपका इम्यून सिस्टम लो है, मतलब स्ट्रांग नहीं है इम्यून सिस्टम, उसको बूस्ट करने के लिए काफी हेल्पफुल है। अब आइए मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज करना। देखिए ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको आप सही से यूज करेंगे ना तो बहुत फायदे हैं इसके। 15 से 25 ml आधे ग्लास पानी में अच्छे से मिला लें इसको, उसके बाद लेना है। दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, और मॉर्निंग में भूखे पेट लेना अगर, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट और बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे आपको। किसको नहीं लेना है, एक तो प्रेग्नेंट लेडी को या स्तनपान करवा रही महिला को ये नहीं लेना है। साथ में आपको कोई सीवियर डिजीज है, कोई बहुत ज़्यादा बीमारी है उससे ग्रसित है, उसको ये नहीं लेना है। अगर आप लेना ही है तो एक बार डॉक्टर से कंसर्न जरूर कर लें। अब एक लास्ट क्वेश्चन, इसके रिजल्ट कब मिलेंगे? देखिए एक सप्लीमेंट तो है नहीं कि खाई और जल्दी से बॉडी बन गई, नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी टाइम तक इसका इफेक्ट रहता है। मतलब नेचुरल प्रोसेस होता है ना, उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होता है और हेल्दी होता है। इसके अलावा पतंजलि एलोवेरा जेल, पतंजलि शिलाजीत और पतंजलि गुलाब जल, इनका भी मैंने अच्छे से रिव्यू किया है, इनके बेनिफिट के बारे में बताया है, आप जाके वो वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे। और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।